निकलना है, सो मैं इसको बनाती हूँ जल्दी, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। एंड आई विल लीव इट फॉर 5 मिनट्स। लेट मी चेक इज इट रेडी और नॉट। ये सो माई ब्रेकफास्ट इज रेडी। मेरा राशन आ चुका है। राशन नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कुछ चीज़ें स्टॉकअप करनी थी, लाइक सम वेजीज। मुझे पपाया खाने की क्रेविंग हो रही थी, सो मैंने पपाया भी ऑर्डर कर लिया था। पोटैटो मैं जितना खाती नहीं हूँ, बट स्टिल सोचा थोड़ा सा रखते हैं अपने पास में, क्योंकि कहते हैं ना वेजीज का राजा पोटैटो। एंड ये कॉलीफ्लावर एंड ये ब्रिंजल, जो ऑनलाइन ब्रिंजल आता नहीं, मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर सम कैप्सिकम। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे नो कुकिंग जस्ट एड हॉट वाटर वाली जो चीज़ें होती है, 3 मिनट वाली ब्रेकफास्ट जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ये रखा। फिर मुझे स्नैक्स, वैसे रात में भूख लगती है मिड नाइट क्रेविंग्स के लिए, सम मैगी जो मैं खाती नहीं हूँ बट रखती ज़रूर हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो आई कैन कुक फॉर देम। डोरिटोज पसंद है मुझे, मैड एंगल्स पसंद है, ये कप मसाला, नूडल्स, सॉल्ट। एंड मैंने ये रैट किलर मंगवाया, यू नो घर में कम रहो तो रैट्स ज़्यादा आ जाते हैं। एंड ये अनियन एंड ये गार्लिक, और भी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ है अंदर बहुत ही। सो एंड मैंने आज आटा ही मंगवाया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे यू नो रोटी नहीं खाया, सो मैंने सोचा बनाने का। वैसे ये हाथ जलाने की जो मेरी परंपरा है, आप देखो गाइस कितना ज़्यादा जल गया। वैसे मैं कुकिंग कम करती हूँ, बट स्टिल ये इनिशियल कुकिंग के लिए इतना कुछ बहुत है। और इसमें स्पाइसेस भी हैं आई गेस, यस ओहो बहुत सारी चीज़ें, स्पाइसेस एंड ऑल भी मैंने ऑर्डर करा था। सो इसमें है बहुत सारी, अंदर में टर्मरिक वगैरह। सो चलो गाइज मैं रेडी होती हूँ। क्यों रेडी हो रही हूँ बताती हूँ रेडी होके। गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग वाई विद अंशी रॉय। सो मैं हो गई हूँ रेडी, एंड दो मैं कल ही आई थी अपनी सिस्टर के पास से, बट रोजी को निकलना है कल। सो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल आपने देखा ही था। तो नाउ शी इज आस्किंग मी, मेरी लिपस्टिक सही से नहीं लगी मुझे ठीक करना होगा। एंड नाउ शी इज आस्किंग मी टू यू नो बी विद हर। एंड वो उसको ऑफिस निकलना था, तो फरीदाबाद निकल चुकी थी, सो अभी वो वापस आ रही है। एंड वो मुझे मिलने वाले बीच में गई मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि वो ऑफिस से बाय मेट्रो गई थी। सो मैं जा रही हूँ उससे मिलने मेट्रो, एंड उसके बाद मैं जाऊँगी पिंकू के घर। सो चलो गाइस चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। एंड आज पिंकू बना रही है हमारे लिए कुछ अच्छा सा लंच। तो लेट हो चुका है, इवनिंग हो गया अराउंड 4 o'clock। सो मे बी हमारा तो लंच ही होने वाला है साथ में, क्योंकि मैंने लंच नहीं करा है, आई जस्ट हैड दैट उपमा। सो निकलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, काफ़ी दूर जाना है। सो चलो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, रोजी से मिलवाते हैं एंड वहाँ क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको। सो बाय। मैं मेट्रो स्टेशन तो आ गई हूँ, आई डोंट नो रोजी कहाँ है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड हर, लेट मी कॉल हर। बीमार लड़की मुझे दिख गई है। ओए बीमार लड़की, हाय, देखो तूने बुलाया और हम चले आए, क्या मतलब है? तो माय गॉड इतना सारा सामान भी है, ओह माय गॉड। मेट्रो में मैडम क्या खा रही है, फॉक्स नट, अभी गो बीमार बच्ची, टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ। अभी तक नहीं आई है और हम यहाँ पे खड़े, रोजी गई कुछ लेने के लिए। मैडम गेट खोल दो, आप इतना लेट करोगे, हाय चलो ये पकड़ो, कुछ सामान उठाने में हेल्प करो हमारी। यस देर आर टू मेनी लगेजेस, पिंक आई थॉट तुम्हें कोई इसने किडनैप कर लिया तुम भाग गई थी ना, दालचीनी का अलग ले लिया। हाँ सही, इसके लिए तो मैं कहवे बनाती हूँ, कहवा कहवा पिएगी रोजी, कहवा। हे गाइस सो यस मैं आ गई हूँ पिंकू के घर, कल ही गई थी और आज आ गई हूँ मैं, सोचो कितना प्यार है मुझे इससे। और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं चिकन बनाने का। गाइस यू नो व्हाट, मुझे लगा कि मेरी सिस्टर हमारे लिए चिकन बना के रखी, कि 1 घंटे पहले से उसने चिकन बनाया, हमसे पूछा कितने देर में तुम आ रही हो, हमने बोला 40 मिनट्स, और मैडम ने कुछ भी नहीं किया, चिकन को वॉश तक नहीं किया। एंड ये देखो काम का बनाने के बैठी हुई है, सफाई तो भी तो कर रहा हूँ, 6 बजे तो ऑफिस स्टार्ट होता है। देखो देखो रोजी सही कर रही, बताओ रोजी मैं गलत कह रही हूँ, ऐसा करती है मेरे साथ। अरे यार एक्टिव रहती हो इस चीज में, इसीलिए तुम्हारा, मैं सोची तुम ही बनाओ। ओह माय गॉड।
मेरा हाथ देखो गाइस, ये देखो, ये है ये प्रूफ कि मैं खुद खाना कम बनाती हूँ और मैडम ऐसा कर रही है। मेरे को पिंकू के हाथ से खाना होता है लेकिन मैडम मुझे नहीं बना के खिलाती हैं। कल कोई नहीं, कल ये पूरा बना के खिलाएगी। हाँ कल पिंकू बनाएगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग सिर्फ हाँ, चलो हम लोग बनाते। चलो गाइस हो गया, आज इसको काम कर लेने दो, बख्श देते हैं इसको। तुम नहीं रहते तो ये बनाते, मैं तो बनाती ही नहीं हूँ। चलो ठीक है गाइस, इट्स लाइट कॉन्वर्सेशन, ऐसी बहन है, थोड़ी सी टीज कर रहे हैं हम, कुछ सीरियस नहीं हो रहा, बट ऐसा करती है। हमने सोचा कि इसको लाइमलाइट में लाया जाए, है ना? चलो पानी गर्म करो। ओके, देखा देखा गाइस, ये देखो क्या हो रहा है, पानी गर्म करो, चिकन बनाओ, इसलिए मैं आती हूँ रोहिणी से यहाँ पे। चलो बाय गाइस, बनाते हैं। बहन के लिए इतना कर सकती हूँ, मैं खुद के लिए नहीं कर सकती। चलो बाय। चिकन को वॉश कर लिया प्रॉपरली और अब इसमें मैं मैरिनेट करूँगी नॉर्मल टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ी सी सॉल्ट डाल के, नो कर्ड नथिंग। इसके बाद इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर कुछ खाते हैं। चाय पीने का मन कर रहा है, मैंने सोचा चाय बनाते हैं, इसमें मैंने दालचीनी डाल दिया सो दैट की रोजी की तबीयत में थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। तो गाइज ये बनाया मैंने, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी सो हम ये खाएंगे। यस, होल स्पाइसेस डाल देते हैं। ग्रीन चिलीज गाइस, चिकन को डाल देते हैं। 1 kg चिकन है, इसको इसको फ्राई करते हैं, फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मस्त चिकन फ्राई हो रहा है। तो गार्लिक जिंजर पेस्ट। सो गाइस ये देखो मेरा चिकन फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी बिट ऑफ स्पाइसेस, नॉट टू मच, बेसिक स्पाइसेस डालें कुछ भी, यू नो लाइक ऐसा नहीं है कि कोई मसाला जो स्पेशल बना है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बेसिक चिकन बना रही हूँ मैं। चिकन मसाला हमने लाया राइट, तो वी गोना ऐड सम कोरिएंडर पाउडर, बिकॉज़ यूजिंग यहाँ पे सो कोरिएंडर पाउडर। क्वांटिटी आप लोग जैसा खाते हो मसाला उस अकॉर्डिंग आप डाल देना। एंड मुझे तीखा ज्यादा खाना है, कम खाना है? नॉर्मल नॉर्मल, आई थिंक इट्स नॉर्मल रोजी, इधर टू लेस इधर टू हाई। पिंको ये क्या है, गरम मसाला? गरम, ओके, गरम मसाला आप बाद में भी डाल सकते हो, इस पॉइंट पे भी डाल सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। एंड लाइक टर्मरिक पहले भी हमने ऐड करा था, इसलिए मैं कम डालूंगी। और क्या बचा? तो ये देखो गाइस, चिकन मसाला, सारा मसाला डाल दिया है एंड ये जल्दी से हो गया क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो ये देखो मस्त चिकन ऑलमोस्ट होने वाला है, सॉल्ट में भी ऐड कर देते हैं ना, अच्छे से यू नो लाइक हो जाएगा। वेयर आई केप्ट द सॉल्ट? ओके ओके, आई फॉरगेट इन दैट। मुझे पहले लगा कि शुगर तो नहीं है, या आई आल्सो थॉट हम तो ब्राउन शुगर ही खाते। सो आप सॉल्ट एज पर द टेस्ट डाल देना। एक चीज तो मूली है, याद लो क्या? चिकन मसाला नहीं, उससे उसके अलावा हम क्या डालते हैं? टोमेटोज। यस करेक्ट, बट आई थिंक विदाउट टोमेटो आल्सो इट टेस्ट गुड। इट विल, बट वी लाइक राइट, यू लाइक टोमेटोज, so we can have that as well, but that's okay, it's okay if you'll not add it, but I want to add it. Pingu, you want tomatoes right? Like hum sare discussion mein tomato won actually, so hum tomato ko bahut zyada you know thin slice karne ki zarurat nahi hai, because tomato is something which gonna dissolve so fast, so let's add tomato. Tomato zyada ho jayega, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं चाहिए हमें, इट्स लाइक चिकन का टेस्ट होना चाहिए, अगर पता चला ज़्यादा खट्टा होगा तो चिकन फेंक लिया, तो ये नहीं करना। तो चलो गाइस इसको हम पकने देते हैं, आई गेस इट विल टेक अनदर 15 to 20 minutes, उसके बाद डन चिकन मसाला।
आई फील लाइक थोड़ी थोड़ी बात डाले लाइक वो तो हम मोटर डालने के बाद भी डाल सकते हैं ना. बट इफ यू से सो देन आई कैन ऐड नाउ ऑल्सो सो दैट्स नॉट एन इशू. एंड देखो कैसा बन रहा है ये देखो गाइस ये यम्मी. और ये चिकन इसलिए बन रहा है क्योंकि कल हमारी प्यारी सी सिस्टर जा रही है तो उसकी खुशी में हम चिकन खा रहे हैं. हमें कोई गम नहीं है इसके जाने का, वो अलग बात है कल हम अपसेट फील करेंगे बट हम इसको बता नहीं सकते कि हमें कोई गम है. तो इसलिए हमने सोचा कि वो जा रही है तो पार्टी करनी चाहिए है ना. ओके पार्टी करो मेरे साथ ही जाने की. चलो मुझे पानी दो. सोचो हाउ मच दो लो मैं चिकन मसाला इसमें डाल रही हूँ. गाइस अब इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, हॉट वाटर ही मैं ऐड करती हूँ. आप लोग बताना आप लोग को भी ये फ्राइड खाना अच्छा लगता है क्या? हमें तो बहुत पसंद है. सो गाइस ये बन गया मेरा चिकन. आप देखो कैसा दिख रहा है. धुआं धुआं सा रहने दो. थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं. गाइस ये है मेरा डिनर आज का एंड ये यम सा चिकन. आई होप आपको देख के अच्छा लग रहा हो. बहुत बेसिक रेसिपी मैंने शेयर करा है एंड बहुत टेस्टी बना है. सो मैं चलिए अपने डिनर एंजॉय करने. आप भी करो.